अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि गुज़िश्ता सूरत हाल के पेश नज़र सेकेंड ईयर के तलबा तालबात को प्रमोट कर दिया गया था और प्रमोशन पॉलिसी के बाद उनका रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया गया है और अब तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में उनके अंडर ग्रेजुएट के लिए एडमिशन स्केड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो आज के हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि बहाउद्दीन ज़ाकिर यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो लास्ट ईयर मेरिट था तमाम प्रोग्राम्स का वो क्या था, जिसमें हम ओपन मेरिट मतलब मॉर्निंग का जो है ना मेरिट जहाँ पर क्लोज हुआ है ओपन का तो वो हम देखेंगे, इवनिंग का जहाँ पर क्लोज हुआ है तो वो देखेंगे, और दोनों की जो कॉल लिस्ट है, कॉल लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास लास्ट लिस्ट जो है ना शो कर दी गई है, डिस्प्ले कर दी गई है, उसमें से तकरीबन 10 बंदे चूज़ कर दिए गए हैं, तो 10 बंदों में से अगर 9 ने फ़ी पे की और एक बच गया तो एक सीट के लिए अलग से जो है ना आपके पास मतलब जो लिस्ट है नहीं डिस्प्ले की जाएगी। उससे उसका ये होगा कि उसमें से एक सीट के अगेंस्ट 9 या 10 बंदों को जो है ना कॉल कर लिया जाएगा, उनका इंटरव्यू होगा और उनका मतलब कुछ उनको सीट एलोकेट कर दी जाएगी। और कुछ प्रॉब्लम ये भी होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स का मार्क्स परसेंटेज सेम आ रही होती है तो उन्हें भी कॉल लिस्ट में कॉल कर दिया जाता है और उन्हें इंटरव्यू के बाद कुछ प्रोसीजर होता है, उसके बाद उन्हें सीट एलोकेट की जाती है। तो चलते हैं अपने सबसे पहले प्रोग्राम की जानिब। ये पहला प्रोग्राम है BSc एग्री बिजनेस मार्केटिंग, तो इसका जो है ना आपके पास ये सिर्फ इवनिंग प्रोग्राम है। इवनिंग का ओपन मेरिट जहाँ पर क्लोज़ हुआ था वो 857 पे लास्ट स्टूडेंट था और उसके जो कॉल लिस्ट थी कॉल लिस्ट में 540, ठीक है, कॉल लिस्ट 540 तक के स्टूडेंट को कॉल किया गया था। इस तरह BS फॉरेस्ट्री है, मॉर्निंग है नहीं, इवनिंग में 815 इसका ओपन मेरिट था और 493 पर इसका कॉल लिस्ट थी। उसके बाद BSc एग्री वाटर मैनेजमेंट का 811 जो है ना आपके पास मॉर्निंग का ओपन मेरिट था और इवनिंग का ओपन मेरिट 728 था और 499 आपके पास क्या था जिसकी इवनिंग की कॉल लिस्ट थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की जानेब, BSc फूड साइंस एट टेक्नीशियन, इसकी 978 आपके पास मॉर्निंग का ओपन मेरिट था और इवनिंग का ओपन मेरिट आपके पास क्या था 960 मार्क्स थे और इसकी कॉल लिस्ट जो थी 902 तक की थी, लास्ट स्टूडेंट 902 वाला कॉल किया गया था। तो इसके बाद है जी BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है ना उसके कितने थे ओपन मेरिट का 981 जो है ना मार्क्स थे ओपन मेरिट मॉर्निंग के, और इसी तरह 963 थे आपके पास इवनिंग का ओपन मेरिट और जो कॉल लिस्ट थी कॉल लिस्ट में 887 वाले लास्ट स्टूडेंट था कॉल लिस्ट में। तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है ना आपके पास उसमें जी 808 जो है ना मेडिकल वालों का जो है ना अलग से होता है जो मतलब आपके पास मेरिट बनता है और इंजीनियरिंग वालों का अलग से होता है FSc मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों का, तो उसमें मेडिकल वाले जो थे उसका ओपन मेरिट मॉर्निंग के लिए 896 था और इंजीनियरिंग वालों का ओपन मेरिट 808 था। इसी तरह इवनिंग में जो है ना मेडिकल वालों का ओपन मेरिट 831 था और इंजीनियरिंग वालों का 710 था। तो और कॉल लिस्ट में जो मेडिकल के स्टूडेंट थे लास्ट स्टूडेंट क्या था 545 मार्क्स थे उसके। उसके बाद है जी BS अप्लाइड साइकोलॉजी, तो उसमें क्या था जी आपके पास मॉर्निंग का ओपन मेरिट 931 और जो इवनिंग का ओपन मेरिट था 883 और इवनिंग की कॉल लिस्ट कितनी थी जी 641। जो BS कम्युनिकेशन स्टडीज़ में 802 ओपन मेरिट, जो इवनिंग का ओपन मेरिट था 743 और कॉल लिस्ट कितनी थी 491। तो उसके बाद जी BEd एलिमेंट्री, ठीक है, तो BEd एलिमेंट्री में सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम था, इवनिंग प्रोग्राम इंक्लूड नहीं था। मॉर्निंग प्रोग्राम का जो आपके पास ओपन मेरिट था लास्ट वो 511 था और कॉल लिस्ट कितनी थी 491 तक के स्टूडेंट थे। इसके बाद है जी BS एजुकेशन भी सेम है कि उसका जो इवनिंग प्रोग्राम था नहीं, मॉर्निंग प्रोग्राम में 775 वाले मार्क्स वाला स्टूडेंट लास्ट था और आपके पास जो कॉल लिस्ट थी वो 677 तक की थी। उसके बाद है जी BS स्पेशल एजुकेशन, ये मॉर्निंग थी नहीं, इवनिंग में सिर्फ 691 मार्क्स वाला लास्ट स्टूडेंट था इवनिंग प्रोग्राम में ओपन मेरिट के लिए और कॉल लिस्ट में कितने थे 491।
उसके बाद है जी एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में जो इवनिंग जो है ना ओपन मेरिट था 641 और क्लोजिंग मेरिट कितना था 491। और उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की जाने बीएस जेंडर स्टडीज़। बीएस जेंडर स्टडीज़ में 584 मार्क्स जो है ना ओपन मेरिट मॉर्निंग के लिए थे और कॉल लिस्ट कितने थे 491। बीएस हिस्ट्री भी सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम है 642 ओपन मेरिट और मॉर्निंग का क्लोजिंग लिस्ट जो कितनी थी आपके पास 491। तो बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस की जाने बढ़ते हैं। बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस में 883 मार्क्स जो है ना ओपन मेरिट के लिए थे और क्लोजिंग लिस्ट के लिए 792 थे, इसकी भी सिर्फ मॉर्निंग ही शामिल थी। बीएस पाकिस्तान स्टडीज़ 680 जो है ना ओपन मेरिट है आपका और 490 आपके पास क्लोजिंग लिस्ट है और इस ये भी मॉर्निंग में ही सिर्फ कराया जाता है। तो बीएस जो फ़िलासफ़ी है उसकी 490 है मॉर्निंग का ओपन मेरिट और इसकी कॉल लिस्ट भी नहीं थी और ना ही इसका इवनिंग प्रोग्राम था। तो अब हम बढ़ते हैं बीएस पॉलिटिकल साइंस। तो बीएस पॉलिटिकल साइंस में जो आपके पास ओपन मेरिट था मॉर्निंग का 839, इवनिंग का आपके पास कितना था 776 और कॉल लिस्ट में जो लास्ट स्टूडेंट था वो आपके पास इंक्लूड था 486 पे। तो अब हम बढ़ते हैं जी बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जाने। मॉर्निंग का ओपन मेरिट 787, क्लोजिंग लिस्ट मॉर्निंग की थी नहीं, इवनिंग का ओपन मेरिट जो लास्ट क्लोज हुआ है 709 और जो क्लोजिंग लिस्ट थी इवनिंग की वो आपके पास कितनी हुई है 533 पे। बीएस पब्लिक पॉलिसी में आ जाते हैं, मॉर्निंग थी नहीं, इवनिंग में 640 ओपन मेरिट और क्लोजिंग लिस्ट में कॉल लिस्ट में आपके पास कितना था 531। तो बीएस एंथ्रोपोलॉजी में 663 वाला जो है ना आपके पास लास्ट स्टूडेंट था मॉर्निंग में, इवनिंग में 547 और जो आपके पास कॉल लिस्ट थी वो 523 पे रुकी थी। तो अब बढ़ते हैं जी बीएस सोशियोलॉजी की जानब। 783 ओपन मेरिट मॉर्निंग का, इवनिंग का 723 ओपन मेरिट और कॉल लिस्ट 490। तो बीएस उर्दू 803 ओपन मेरिट मॉर्निंग और 743 ओपन मेरिट जो है ना आपके पास इवनिंग और 563 आपके पास इवनिंग की कॉल लिस्ट थी। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन जो आपके पास है वो 60.927% आपके पास मॉर्निंग जो मतलब ओपन मेरिट था और उसकी क्लोजिंग लिस्ट थी 41.909, ये आपके पास मॉर्निंग की कॉल लिस्ट थी, इवनिंग प्रोग्राम इसका है नहीं। तो उसके बाद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में आपके पास 54.636 जो है ना आपका ओपन मेरिट था और 42.272 आपके पास मॉर्निंग की कॉल लिस्ट थी, इवनिंग इसकी भी नहीं है। बीएस इकोनॉमिक्स पे पढ़ते हैं। बीएस इकोनॉमिक्स जो है ना आपके पास 817 मार्क्स ओपन मेरिट और मॉर्निंग का, इवनिंग का 752 और इवनिंग की कॉल लिस्ट आपके पास कितनी थी 491। और बीएस डेवलपमेंट स्टडीज़ में आपके पास मॉर्निंग है नहीं, इवनिंग में 491 जो है ना आपके मतलब क्लोजिंग मेरिट था और कॉल लिस्ट आपके पास कितनी थी 521। उसके बाद जी अब हम बढ़ते हैं बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का 790 जो है ना आपके पास क्लोजिंग मेरिट है मॉर्निंग का और 701 है क्लोजिंग मेरिट इवनिंग का, 514 इसकी क्या है जी कॉल लिस्ट है पड़ी, 514 लास्ट स्टूडेंट तक कॉल लिस्ट में। और अब जो है ना बी कॉम ऑनर्स में जो है ना आपके पास मॉर्निंग है नहीं, इवनिंग का 745 पे मेरिट रुका है इवनिंग का और 491 जो है ना आपके पास क्या था जो लास्ट स्टूडेंट था कॉल लिस्ट में। अब हम बढ़ते हैं बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो इसमें क्या है जी 861 पे आपका मॉर्निंग का मेरिट रुका है, 824 पे इवनिंग का रुका है और 496 जो है ना आपकी 496 इसकी कॉल लिस्ट है इवनिंग की। अब हम बढ़ते हैं अपने बीबीए, सॉरी एलएलबी पहले देखते हैं। एलएलबी जो है आपके पास 5 ईयर्स है, 887 जो है ना आपके पास मॉर्निंग का ओपन मेरिट है और जो मॉर्निंग की कॉल लिस्ट है वो 847 थी, इवनिंग प्रोग्राम इसमें इंक्लूड नहीं है, इवनिंग प्रोग्राम है नहीं इधर। तो उसके बाद जी बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो है ना आपके पास मेरिट जो है ना डिस्प्ले नहीं किया गया, जो आपके पास हम नेक्स्ट ईयर कर दिए देंगे। बीबीए जो 4 ईयर है आपके पास वो 913 जो है ना आपके पास मॉर्निंग का मेरिट है, 872 इवनिंग का है और 784 उसकी कॉल लिस्ट है, ठीक है। बीएस अरेबिक में आपके पास क्या आ जाता है जी 971 आपका मॉर्निंग का मेरिट है, 961 आपका इवनिंग का मेरिट है और 878 पे इसकी जो है ना कॉल लिस्ट रुकी थी। तो बीएस अरेबिक का जो है ना वो इंग्लिश का था। बीएस अरेबिक में 797 जो है ना आपके पास मॉर्निंग का वो है क्लोजिंग है
और 547 मॉर्निंग की मतलब का लिस्ट है, इसका इवनिंग प्रोग्राम है नहीं। बीएस इंग्लिश में आपके पास 971 मॉर्निंग, 961 इवनिंग और 878 इसकी क्या है कॉल लिस्ट है। तो बीएस इस्लामिक स्टडीज़ में 754 है जिसकी मॉर्निंग ओपन लिस्ट ओपन मेरिट, इवनिंग 678 और 490 पे इसकी जो है ना इवनिंग की कॉल लिस्ट स्टॉप हुई थी, रुकी थी। बीएस सराकी में आपके पास 659 जो है ना मॉर्निंग का लास्ट स्टूडेंट था, इसमें ना ही इसकी कॉल लिस्ट है और ना ही इसका इवनिंग प्रोग्राम है। तो बीएस सराकी के बाद अब हम बढ़ते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म डी के जो स्टूडेंट्स हैं, 1004 इसका जो है ओपन मेरिट था मतलब मॉर्निंग के लिए, 992 इसका इवनिंग के लिए था और 997 जो है ना का लिस्ट थी। तो बीएस मैथमेटिक्स में आपके पास 1092 जो है ना इसका ओपन मेरिट था मॉर्निंग के लिए, ये याद रखिएगा कि 1100 प्लस 200 मैथ के 1300 में से 1092 इसका जो है ना ओपन मेरिट था और 1048 इवनिंग का था और 867 पे जो है ना इसका क्या रुका है जी आपके पास इवनिंग का प्रोग्राम रुका है, उस इवनिंग की कॉल लिस्ट। उसके बाद जी बीएस बायोकेमिस्ट्री में 983 इसका मॉर्निंग, 968 इवनिंग और 893 कॉल लिस्ट है इवनिंग की। और उसके बाद बीएस एनवायरमेंटल साइंस आ जाते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 887 जो है ना मॉर्निंग के मेरिट लिस्ट, 850 इवनिंग की और 490 इसकी क्या रुकी है जी कॉल लिस्ट रुकी है। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीएस आईटी का जो मेरिट है लास्ट ईयर 911 था मॉर्निंग का और 883 था आपके पास इवनिंग का लास्ट स्टूडेंट और 823 इसका जी कॉल लिस्ट थी, 823 पे रुकी है। उसके बाद जी बीएस फिजिक्स आ जाते हैं, बीएस फिजिक्स में 1092 जो था मॉर्निंग की था मेरिट क्लोजिंग मेरिट था, 1039 इवनिंग का था और 836 पे इसकी कॉल लिस्ट रुकी है। अब हम बढ़ते हैं जी अपने बीएस स्टैट की जाने, बीएस स्टैटिस्टिक्स 748 जो है ना मॉर्निंग रुकी है, 658 इवनिंग और 490 पे आपके पास इसकी कॉल लिस्ट रुकी है। उसके बाद बीएस टीएस जो है ना आपके पास मॉर्निंग है नहीं, इवनिंग 781 पे इसकी मेरिट लिस्ट रुकी है और 583 पे इसका क्या है जी कॉल लिस्ट रुकी है। तो कॉल लिस्ट के बाद अब हम बढ़ते हैं जी बीएस केमिस्ट्री 1187 इसके जो है ना मॉर्निंग रुका है, 1178 इवनिंग रुका है और 1123 तक इसकी कॉल लिस्ट रुकी है। और बीएस बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, तो जहां तक बीएस बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है 991 पे इसकी मॉर्निंग मेरिट लिस्ट रुकी है, 980 पे इसकी जो है ना इवनिंग मेरिट लिस्ट रुकी है और 811 पे इसकी कॉल लिस्ट रुकी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं बीएस बॉटनी की जानिब, 954 पे आपके पास क्या है जी 954 पे आपका मॉर्निंग मेरिट लिस्ट रुकी है और इसकी जो क्लोजिंग कॉल लिस्ट है मॉर्निंग की 849 पे रुकी है, इवनिंग बीएस बॉटनी शामिल नहीं है, है नहीं। बीएस माइक्रो बायोलॉजी में आपके पास 981 आपके पास मॉर्निंग की रुका है, लास्ट स्टूडेंट जो 981 वाला था उसके बाद 921 इसकी क्या है जी कॉल लिस्ट है, इवनिंग प्रोग्राम इसमें भी शामिल नहीं है। बीएस जूलॉजी की बात करें तो जहां तक बीएस जूलॉजी का सवाल है तो 982 मार्क्स जो है ना आपके पास लास्ट स्टूडेंट के थे मॉर्निंग में ओपन मेरिट के लिए और जो 950 पे आपके पास कॉल लिस्ट रुकी है बीएस जूलॉजी की। अब हम बढ़ते हैं जी बीएससी ऑनर्स पोल्ट्री साइंस में मॉर्निंग है नहीं, जहां तक इवनिंग का सवाल है इवनिंग 850 पे रुका है जी लास्ट स्टूडेंट और 632 पे कॉल लिस्ट। और डीवीएम डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन 998 पे इसका जो है ना मॉर्निंग मेरिट रुका है और इवनिंग 985 पे और जहां तक सवाल बनता है जी इसका इवनिंग का क्लोजिंग वो है जी 965। तो ये था जी बहाउद्दीन जकी यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट है क्लोजिंग मेरिट है, तो इसमें स्पेशल कोटा वगैरह वो अलग से है और स्पोर्ट्स कोटा वो अलग से है जो कि हम बहुत जल्द आपको एक्सप्लेन कर देंगे इंशाल्लाह कल तक। और अगर वीडियो पसंद आई है और वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने अप्लाई करना है या जिनके रिलेटिव ने अप्लाई करना है तो सबके साथ ये वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।